द्वारा बोली है और एक वहाँ जब कम्युनिकेट होती है तो कितनी रही, मैं उनको दोबारा से जोड़ता हूँ वंशी जी को। कई बार ये इस तरह का एक तकनीकी व्यवधान आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बातचीत को फिर शुरू कर सकते हैं। वनश्री राव कुचिपुड़ी की प्रख्यात नृत्यांगना हमारी आज की मेहमान है, जिनसे हम जीवन और सृजन के संदर्भों के साथ बातचीत करेंगे। बातों बातों में इष्टा बातों बातों में इस कार्यक्रम का नाम। और वनश्री राव जी नई दिल्ली में रहती है, ओडिसी की कुशल और दक्ष नृत्यांगना है, गुरु है, और श्रीपति जय रामा राव जी के साथ उनके नृत्य प्रदर्शन की जोड़ी है। वर्षों से वो लोग साथ साथ नृत्य करते हुए देश विदेश में अनेक स्थानों पर उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। मेरी आवाज आ रही है जैनी आपको? ओके, धन्यवाद। उनको मैंने अनुरोध भेजा है, उनका रिस्पॉन्स जैसे आएगा हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। ये कुछ 2-4 मिनट के व्यवधान है जो जल्दी दूर हो जाए। धीमी, अच्छा, कैसी आ रही है? अभी ठीक आ रही है? मेरी मेरी आवाज रुक जाए तो अच्छा ही है, लेकिन जिनसे बात करना है उनकी आवाज अच्छी आना चाहिए। ओह, डिक्लाइन हो जाता है। ये तो उल्टा चला गया, सॉरी। गलती से जेरी को चला गया रिक्वेस्ट। हाँ अब ठीक है, हाँ ओके, टेक्निकल ये आपका। प्रॉब्लम्स। हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत,
आपके व्यूअर्स को भी जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, एकदम देवी की तरह, और जन्माष्टमी के दिन आपका दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच अरे क्या बात कर रहे हैं, वी आर में फ्रेंड्स एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मेरी आप बड़ी हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। हाँ मैं आपसे और बहुत बड़ी हूँ, हम और लोग तो अभी सीनियर सिटीजन है, मतलब और यू नो देयर आर मेनी बेनिफिट्स आल्सो टू बी अ सीनियर सिटीजन एंड आई एम एंजॉयिंग दैट, क्योंकि हाँ बैंक या एयरपोर्ट जाने से सबसे पहले मैं बोल देती हूँ मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो एकदम एक चेयर मिल जाता जो देश और दुनिया में बताइए। आपने अपने अपनी साधना से जो अपनी पहचान और गुरु जी और आपने नाम किया है, वो अपने आप में आपको एक बहुत आदर की जगह पर रखता है। अभी डॉक्टर सुनंदा नायर ह्यूस्टन से आपको देख रही हूँ, कार्यक्रम में ज्वाइन हुई है मोहिनीअट्टम की डांसर। अच्छा ओके नमस्कार। हाँ वो कनक रेली जी की शिष्या है, वो भी हमारे आई कार्यक्रम की वॉन्ट मेहमान है। हाँ, हाँ हाँ मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ, बाकी हमारे मित्र हैं जेनी शबनम है, दिल्ली से कवित्री हैं, जेनी वो भी शबनम भी मेरी काफी फ्रेंड है। जेनी हाँ हेलो हाँ हाय जेनी आई नो हर। हाँ तो इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने 3 महीने पहले शुरू किया था, और जब जी कोरोना लॉकडाउन हुआ तो हमको लगा कि किस तरह कलाकारों से जुड़े रहकर हम एक इस पूरी स्पेस का सदुपयोग कर सकते हैं, जी हाँ और जी सभी कलाकारों से उनको लाइफ और क्रिएशन को लेकर हम उनसे जाने सुने, और वो सब ऐसी बातें होंगी जो सबके जीवन में एक सीख और सबक देने वाली होंगी। हाँ जी थोड़ा अनयूजुअल तो होने से ही अच्छा है, बिकॉज एवरीबॉडी नोज अबाउट डांस एंड 40 साल से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं डांस करके, बट आपका जो प्रश्न होगा मैं उसका जवाब दूंगी, और हिंदी बहुत खराब है तो माफ कीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप जो भी कहेंगे। अब मुझे चूंकि हिंदी ही आती है इसलिए मेरी मजबूरी, पर आप अंग्रेजी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं नहीं है, वो तो थोड़ा सा मिक्स तो हो ही जाती है, मतलब कोई बात यू नहीं नो ना। एक तो मैं सबसे पहले बहुत अलग सी बात ये करूंगा कि ये जी 2-3 महीने का जो लॉकडाउन और घर में रहने की स्थिति जो रही, तो अब आप कलाकार हो, गुरुजी कलाकार है, घर की पूरी जी परंपरा कला से भरी हुई है, तो घर में समय कैसे कटा है ये 3 महीने का? क्या क्या किया, कुछ नया कुछ अलग? शुरू में तो काफी मुश्किल हुआ, शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे क्योंकि वी आर वेरी बिजी बोथ ऑफ अस, आपको तो मालूम है मेरा एक कलमकारी का भी डिजाइनिंग प्रोसेस है जो चलता रहता है और हाँ बहुत फेमस है वो, मतलब वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फेमस हो गया था। उसका हाँ काम भी मैं करती हूँ और खुद अकेली करती थी, मतलब डिजाइन से लेके कपड़ा मटेरियल लेना, उसको डिजाइन करना क्या बनेगा उसका पूरा भावना लेके एक मैं करती थी, ये मेरा पैशन था, मतलब इट्स नॉट लाइक ए बिजनेस बट आई लाइक टू डू इट, वो कर हाँ रही थी। और उसके साथ फिर सब बंद हो गया बिकॉज नोबडी वाज कमिंग आउट एंड नोबडी, सो व्हाट आई डिड इज दैट हम लोग धीरे से एडजस्ट हुए और घर का काम थोड़ा शुरू किया, फिर से कुकिंग क्लीनिंग ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि घर में कोई आना मना था, एंड आई स्टार्टेड क्लासेस ऑन माई लैपटॉप, गुरुजी अच्छा को इतना कम, हाँ आई आई स्टार्टेड क्लास आफ्टर अबाउट 1 मंथ बिकॉज मेरे को लैपटॉप का नॉलेज नहीं था, देन आई थॉट इट्स बेटर टू बाय वन एंड स्टार्ट क्लासेस, सो मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका क्लासेस मैं लगातार ले रही हूँ शाम को, एंड देन आई डू ए वर्कआउट एवरी डे ऑफ योगा एंड अदर एक्सरसाइजेस विच आई कंटिन्यूड, अदरवाइज मन डिप्रेस्ड हो जाता है, एंड देन माई हस्बैंड जो गुरुजी जो है वो रोज वॉक करते हैं बहुत लंबा, हमारे यहाँ काफी जगह है खाली, मतलब मैं एशियड विलेज में रहती हूँ तो वो वॉक करते हैं, हमने एक रूटीन अभी बना लिया है एंड वी हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन, बिकॉज सुनील जी सबसे बड़ी बात है कि वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी आर अलाइव, वी आर अलाइव, देर आर पीपल बिल्कुल हु आर डाइंग एंड देर आर सो मेनी पीपल सफरिंग सो मच, एंड हाँ भगवान की दया से हम लोग सेफली अपने घर में बैठे हैं तो आई थिंक वी शुड नॉट कंप्लेन, ये बिल्कुल एटीट्यूड से अगर हम रहे तो मैं रोज पंडित जसराज जी मेरा फेवरेट है मैं उनका गाना सुनती हूँ रोज सुबह,
और पंडित भीमसेन जोशी जी का, और डांस के लिए स्क्रिप्ट बनाती हूँ। मेरा जो अगला प्रोडक्शन होगा, आपको तो मालूम है मेरा जो रसा यूनाइटेड का ड्रामेटिक टेल्स, वो आप, मैंने भोपाल में भी आप लोग मुझे बुलाए हैं, वो काफी मशहूर है। उसके लिए मैं नया स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो वही सब सोचती रहती हूँ। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा आदत ही हो गया, अभी घर से बाहर जाने को काम आएगा तो जाऊंगी, ऐसा मेरे को लगता है। एवरीथिंग शुड सबसाइड एंड पीपल शुड फर्स्ट स्टॉप हैविंग द डिजीज, अगर वो हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। हाँ 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 ये तो है। इसके अलावा और क्या रुचियां हैं आपकी संगीत के अलावा? मैं आपको थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बताऊं, मुझे नहीं पता आपका ऑडियंस को भी शायद थोड़ा सुन के मजा ही आएगा। हाँ, मैं बंगाली हूँ और हम लोग 6 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरा 4 भाई है, मेरे ऊपर फिर ऊपर सिस्टर है, और हम लोग बचपन में बहुत ही गरीबी से गुजारे हैं। मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे, और आपने सुना होगा यूपीआई एजेंसी का हेड थे वो, आगरा इलाहाबाद जयपुर में। लेकिन जब दिल्ली आए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दिया था, तो उनको 2 साल नौकरी नहीं था। 2 साल जब नौकरी नहीं था तो हम 6 बच्चों को लेके वो बहुत तकलीफ से उन्होंने हमें बड़ा किया। लेकिन उनका एक था, कुछ चीज मना नहीं करते थे। हमारे घर में मेरी मम्मी बचपन से रामायण महाभारत माइथोलॉजी का गाना गा के हमें सुनाते थे, और पढ़ने का बहुत शौक था। पिताजी बोलते थे पढ़ो किताबें, मतलब स्टोरी बुक्स एंड ऑल, और एजुकेशन पूरा कंप्लीट करना है चाहे जो भी करना। तो शायद कई लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि हम लोगों के घर में बिजली नहीं था। मेरा क्लास 10th तक बिजली में मैं नहीं पढ़ा, वो हरिकन बत्ती में पढ़ी हूँ। फिर सफदरजंग एनक्लेव बना तो हम वहां शिफ्ट किया। फिर मैं स्कूल में भी टॉपर थी, मैं कभी सेकेंड नहीं आई हूँ, और मैं आर्ट्स लेके पढ़ा, लेकिन बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल ऐसे में नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पिताजी के पास इतने संगति नहीं थे। वो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पीपल शुड नॉट थिंक कि कोशिश करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो 14 किलोमीटर साइकिल चला के ऑफिस जाते थे एसटीसी हमारे घर से, और आने टाइम फिर सब्जी वगैरह लेके आते थे, फिर मेरी मम्मी खाना पकाती थी, फिर हम खाते थे। और टिफिन वगैरह लंच ले जाना, ये हमारे घर में किसी को आदत ही नहीं था, क्योंकि वो सब होता नहीं था। तो ऐसा तकलीफ में पड़ा। फिर LSR, मुझे लेडी श्रीराम में पढ़ने का बहुत शौक था, और मेरे को लेडी श्रीराम में एडमिशन मिल गया। मैंने एक्चुअली मेरे वो लेडी श्रीराम इतना सोफिस्टिकेटेड कॉलेज है, और हम लोग बहुत ही नॉर्मल कल्चर्ड बंगाली फैमिली से थे, तो बहुत मुश्किल हुआ। 3 साल मेरे से कोई बात नहीं किया कॉलेज में। फिर मैंने जब टॉप किया तो फिर सब मेरे नोट्स मांगने लगे। फिर MA किया, फिर MPhil शुरू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मुझे एक लेक्चररशिप भी मिल गई LSR में, वो टेम्पररी। लेकिन मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मैं पहले गाना ही सीखती थी, आई यूज टू लर्न म्यूजिक एंड आई यूज टू सिंग वेरी वेल, तो गाने के बाद से आ गया। तो फिर वो पिताजी बोले कि तुम अभी मतलब पढ़ाई, तो मेरे भाई बहन सब साइंटिस्ट, और एक भाई और दीदी कॉलेज ऑफ आर्ट से होके कमर्शियल आर्टिस्ट, मेरी सिस्टर टेलीविजन का सबसे पहला आर्टिस्ट थे ग्राफिक का, और मेरे ब्रदर को भी बहुत बड़ा एड एजेंसी का माध्यम बोलते। तो हम लोग काफी तरक्की किया। फिर मेरे भाई, दोनों भाई भी अमेरिका चले गए पढ़ने और डॉक्टरेट करने। तो मैंने फिर पिताजी को बोला कि मुझे IAS देना है, लेकिन मैं 2 साल डांस सीख के देखना चाहती हूँ कि मुझे डांस आएगा या नहीं, क्योंकि तब तक मैंने डांस नहीं सीखा था। तो मेरे पिताजी बोले कि ठीक है, तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने MPhil छोड़ दिया बीच में, मतलब 10 पेपर दे चुकी थी, 6 बाकी था, वो नहीं देके मैं मंडी हाउस जाके त्रिवेणी कला संगम में कुचिपुड़ी क्लास में भर्ती हुई। वो गुरुजी मेरे जो फर्स्ट गुरुजी थे वो चेन्नई से आए थे, कृष्ण कुमार जी, तो उन्होंने मेरे को देख के बोला कि इतनी बड़ी लड़की को हम डांस नहीं सिखाते, मतलब मैं I was 20, 21, तो ही से चेन्नई में तो सब बच्चे बच्चे सीखते हैं, तो यू कांट बी अ डांसर। मैंने बोला गुरुजी लेट मी ट्राई,
तो 2 साल तक उन्होंने सिखाया मुझे, और वो रोज मेरे को बोलते थे कि तुमसे डांस नहीं होगा, यू डोंट हैव स्टेमिना, यू डोंट नो हाउ टू, यू आर नॉट गुड लुकिंग, यू डोंट हैव ए पर्सनैलिटी. तो मैं बोलती थी ओके गुरुजी कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगी. तो 150 रुपीज फीस था वो मेरे पिताजी देते थे और बस फेयर, फिर वो लेके मैं क्लास करके घर आती थी. फिर 2 साल बाद उन्होंने खुद ही बोला कि तुम एक शो कर. तो फिर मैं फर्स्ट शो किया मैंने 27 जनवरी 1979 दिल्ली में, मेरा फर्स्ट शो हुआ. और वो देख वो बाई चांस सारे क्रिटिक्स आए हुए थे और उन्होंने सबने बोला कि ये तो बहुत टैलेंटेड है और ये कहाँ थी इतना दिन, कुचिपुड़ी में तो कोई है ही नहीं यंग डांसर्स. उसके बाद मैंने धीरे धीरे छोटा 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 प्रोग्राम शुरू किया एज ए सोलोइस्ट. और फिर मेरे गुरुजी जो थे वो जर्मनी चले गए और जाने टाइम मेरे को बोला कि अगर तुम प्रॉपर कुचिपुड़ी सीखना चाहते हो तो गुरु जयराम अराउत से सीखो. मैं इनको जानती नहीं थी जो मेरे हस्बैंड है, मैंने उनको देखा था. तो मैंने बोला कि मैं तो उनको जानती नहीं और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मेरे को ऐसे भी कोई नॉलेज नहीं है, आई एम ए बंगाली, यू नो आई डोंट नो द लैंग्वेज. तो बोले कि नहीं वो एक्चुअली दिल्ली में फर्स्ट गुरु है कुचिपुड़ी के, वो तुमको ऑथेंटिक सिखाएंगे. फिर मैंने मेरा जो हस्बैंड का तब क्लास था उसमें ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा उनको सजेशन दिया कि आप त्रिवेणी में एक क्लास शुरू कीजिए. तो उन्होंने त्रिवेणी में शुरू किया, फिर वहां 2-3 स्टूडेंट्स आने लगे. त्रिवेणी का एक नाम है ना, एक अच्छा जगह है. तो हम लोग फिर मैंने इनको बोला कि आप डांस भी कीजिए गुरुजी, क्योंकि आप तो बहुत यंग है. तो इन्होंने बोले कि अकेला डांस करना बहुत मुश्किल है. इनका स्कूल था ऑलरेडी और ये काफी शोज एनुअल डे वगैरह में करते थे, लेकिन नॉट इन अ वेरी बिग वे. तो मेरा हाँ, फिर मैंने बोला कि हम लोग छोटा छोटा ड्यूएट्स कर सकते हैं. ओके तो फिर इन्होंने भी बोला ठीक है, क्योंकि जब कोई मिल रहा है तो हम एक साथ काम करने के लिए तैयार हो गए. और हमने जब ड्यूएट किया तो काफी लोगों को पसंद आया, बोले कि बहुत गुड लुकिंग है दोनों, और गुरुजी भी बहुत शार्प चेहरा था. तो बोले कि अच्छा लग रहा है ये, धीरे धीरे हमको थोड़ा सा नाम हो गया. लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि एक तो इन्फ्लुएंस या ये सब पता ही नहीं था मुझे, तो इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था. और ये बहुत ही सिंपल है, इनको ये सब गुरुजी आता बहुत ही नहीं, सीधे सीधे सच्चे बहुत ही आदमी सीधे हैं. तो मुझे भी कुछ नहीं आता, इनको भी कुछ नहीं आता, बट द पॉजिटिव थिंग वाज दैट आई वाज हाईली एजुकेटेड, सो दैट हाँ आई कुड राइट टू पीपल, आई कुड राइट अ गुड लेटर, वी कुड गो एंड मीट पीपल, वी कुड टेल देम दैट वी आर हियर एंड प्लीज गिव अस अ चांस. तो सब जगह यही बोलते थे नहीं, हमें तो वही पता है, उनका नाम ही पता है, इनका नाम ही पता है, तो आपको तो कभी हमने देखा नहीं है, पता नहीं है. तो फिर हमें फोटोशूट करने के लिए भी पैसे वैसे नहीं होते थे, मेरे भाई लोग मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प करते थे, फिर फैमिली का पूरा सपोर्ट था, वो लोग देखते थे कि मैं कुछ करना चाहती हूँ. फिर धीरे धीरे जब नाम हुआ तब हमें एक टूर मिला फॉरेन का, रशिया जाने का. रशिया के मैं जाके आए तो बहुत नाम हुआ, सब लोग बहुत तारीफ किया. उसके बाद हमें लंदन हमने जाने का हमने एक बनाया. हमने सुना है कि रशिया जाने के पहले खूब मेहनत और तैयारी की थी आपने और गुरु जी ने। बहुत किया था क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था. एंड मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था लैंग्वेज की. मैं मुझे तब हाँ अभी तो तेलुगु पूरा आता है, आई नो संस्कृत वेरी वेल, आई हैव लर्न संस्कृत, मुझे हाँ समझ में तो आ जाता था, बट जो अभिनय का जो एक अंडरस्टैंडिंग वो आना बहुत जरूरी था. तो मैंने इसलिए मिस्टर के श्रीनिवासन थे टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रिटिक, वो मुझे बहुत पसंद करते थे, ही वाज वेरी ट्रीटेड मी लाइक ए डॉटर एंड हिम. तो उससे पहले तो शादी हुआ, क्योंकि लंदन जाने का जब टूर आया तब मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मेरे पिताजी को आके बोला कि इट्स बेटर आई मैरी हर, बिकॉज मैं अकेली एक लड़की को लेके मैं बाहर नहीं जाऊंगा. ही वॉज अच्छा सो ट्रेडिशनल, ही डिडंट वॉन्ट टू गो आउट विद अ गर्ल. तो मैंने देखा ये तो बड़ा मुसीबत है, क्योंकि आई वॉज नॉट इन माइंड दैट टाइम टू गेट मैरिड और एनीथिंग, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी भी. ऐसा कुछ नहीं था कि हम प्रेम में पागल हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वॉज अ वेरी वेरी सीरियस एंड कंजर्वेटिव पर्सन एंड वेरी पैशनेट अबाउट हिज आर्ट, विच आई लाइक.
तो मुझे ये अच्छा लगा कि एक सिंपल आदमी जिसको हिंदी भी नहीं आता अच्छी तरह से, वो मेरे घर में आके मेरे पिताजी को बोल रहे कि आई वॉन्ट टू मैरी हर. तो मुझे ये बात बहुत ब्रेव लगा, बिकॉज ही इज नॉट ए पर्सन लाइक दैट. फिर मैंने बहुत सोच के, मैंने सोचा फिर लंदन भी नहीं जा पाएंगे, प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने हाँ बोला. फिर जब शादी किया, आप आश्चर्य हो जाएंगे कि उतने साल पहले, आज 40 साल से मैं इनको जानती हूँ, मेरे पिताजी या मम्मी ने कभी पूछा नहीं कि इनका कास्ट क्या है, इनका पैसा कितना है बैंक में, ये कौन है, कुछ नहीं. दे ओनली ट्रस्टेड माई जजमेंट. तो हम दोनों शादी किया, फिर लंदन सब टूर करके आए, लंदन, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे, आईसीसीआर टूर करने आने के बाद हमारे पास घर नहीं है जाने के लिए, कहीं रहने के लिए, क्योंकि ये तो एक बैचलर यूनिट में रहते थे. फिर हम घर ढूंढना शुरू किया और इनकम एकदम नील हो गया, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, इनके सब स्टूडेंट्स भाग गए जैसे ही इन्होंने शादी किया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये शायद अभी सिखाएंगे नहीं ठीक से, या जब शादी हो गई है डांसर से. लेकिन हमने सिखाते गए हम लोग जो भी स्टूडेंट्स, और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का ट्रांसलेशन जॉब करना लगा इंग्लिश टू बंगाली, क्योंकि मुझे बंगाली भी बहुत, हम लोग बचपन से बहुत पढ़ते थे लिटरेचर, टैगोर, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, एवरीथिंग लाइक मेमोराइज्ड. तो मुझे बंगाली लैंग्वेज बहुत अच्छा आता था, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ और हम एक छोटा सा कमरा लेके हम रहने लगे और प्रैक्टिस शुरू किया. फिर उस टाइम पे 10 साल हमने स्ट्रगल किया, शॉर्ट में बता रही हूँ, 10 साल हमें लगा नाम बनाने में. तो ये 10 साल हम लोग जैसे कि 10 रुपए में लंच करना, कहीं भी जाके कुछ खा लेना, घर में स्टोव में खाना पका लेना, बस पैशन यही था कि कुचिपुड़ी को आगे बढ़ाना कैसे भी, और इसको लिए हम दोनों काम करने के लिए तैयार थे. तो भगवान ने भी देख लिया शायद, कभी कोई मुश्किल नहीं हुआ, गरीबी तो था, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत स्टाइल से हम रह रहे या कुछ. फिर एक बड़ा घर का गराज में हम रहने लगे, वो गराज यूनिट नहीं होता है उसमें, क्योंकि इतना रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे हाउस खास में, और छोटा छोटा प्रोग्राम करते थे जहां भी मिलता था, और टीचिंग थोड़ा थोड़ा, मैं तो तब टीचिंग नहीं करती थी, यही करते थे. और ऐसा करके करके मैंने बिताया. फिर 10 साल बाद इनको ये मकान मिला जहां हम है, गवर्नमेंट हाउस. गुरुजी जब ये मिला, बताते हैं कि वो भी पैदल जाते थे अपने केंद्र तक, दूरी तय करते क्या जाते थे, पैदल पैदल जाते थे. हाँ, वो तो सब किया, क्या करे. अब जैसे कि मैं जब इनसे डांस सीखती थी, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैं वो मिनी बस के लिए खड़ी रहती थी घंटों पर, वो नहीं आता था, वो कभी कभी आता था कभी कभी नहीं आता था. तो ये आके देखते थे, मैं तभी भी खड़ी हूँ बस स्टैंड में, 2 घंटा हो गया, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं. ये फिर मेरे को बोलते थे कि तुमको भूख लगा है, तो ये हमेशा हम लोग स्टूडेंट के साथ भी ऐसे ही करते हैं, अभी घर में कुछ खा लो तुम. तो हम फिर बंगाली मार्केट में जाके हमेशा ये डोसा खाते थे और मैं एक रसमलाई खाती थी. तो जब उससे ज्यादा पैसा नहीं होता था, तो मैं बंगाली में स्वीट्स बहुत पसंद था तब. तो ऐसा खाते 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 फिर फाइनली जब शादी हुआ, मेरे को लगता है इनका सारा पैसा मैंने वो खाके ही उड़ा दिया. मतलब इतना रसमलाई खाया, इतना रसमलाई खाया कि बहुत ही मतलब वो हो गया. फिर उसके बाद हमने सीरियसली 10 साल लगा. जब 96 में हमें दिल्ली स्टेट अवार्ड मिला, तब जाके रिकग्निशन मिला कि दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट एंड ऑल दैट. एंड क्रिटिक्स का रिव्यूज हमेशा फैंटास्टिक आता था. यू नो, कभी जैसे कभी किसी ने नहीं लिखा कि खराब है. और हम अपना कोरियोग्राफी हम खुद करते थे, और म्यूजिशियन के बारे में ये बहुत पर्टिकुलर है कि गुड म्यूजिशियन हो, तो हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे म्यूजिशियन के साथ. उसके बाद फिर जब 1999 में हम दोनों को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, तब पूरा सिचुएशन बदल गया. क्योंकि एक एकेडमी अवार्ड मिलना और आईसीसीआर में आउटस्टैंडिंग कैटेगरी मिला, ऑटोमेटिकली दूरदर्शन में आउटस्टैंडिंग कैटेगरी हो गया, फिर प्रोग्राम्स आने लगे. स्पिक मैके का बहुत किया हमने, बहुत बहुत किया,
मतलब 1989 से हमने पूरा इंडिया घूमा है स्किपिंग मार्केट के लिए, और उस टाइम में तो उनके पास इतना फैसिलिटीज नहीं होता था। हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में मेकअप करते थे कभी कभी, कभी कभी गेस्ट हाउस नहीं मिलता था, वेटिंग रूम में ही बैठे रहते थे। लेकिन बहुत बहुत मेहनत किया, मेरे को नहीं लगता इतना मेहनत सभी करते हैं। सभी आर्टिस्ट का अपना अपना जर्नी होती है। मेरा कहने का मतलब है कि डरना नहीं चाहिए, मतलब कूद पड़ो और करो बस। मेहनत मेहनत तो है, लेकिन संघर्ष जो आप सबने दोनों ने मिलकर किया और जी अपनी कला कला का एक्सीलेंस जो है, जो कि मुझे ये बात मुझे ये जानकारी है, मैं उतनी दक्षता के साथ आपसे कह पा रहा हूँ कि नहीं, कि गुरु जी को कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत ज्ञान है, असाधारण यस ज्ञान है। यस ऑफ कोर्स ही इज फ्रॉम द और कुचिपुड़ी विलेज नो ही इज हाँ, फ्रॉम द और कुचिपुड़ी इसीलिए विलेज। तो और हमने फिर और फिर बहुत कुछ किया, हम दोनों ने फिर इनके गुरु के पास जाके चेन्नई में हम लोग हाँ 3-3 महीना एक छोटा कमरा में रहते थे और दिन में 13-14 घंटा प्रैक्टिस करते थे। वही लेट तो। पद्मभूषण गुरु चिन्ह वेम्पटी चिन्ह सत्तम, वो हमें खाना भी खिलाते थे, रखते भी थे, प्रैक्टिस भी देते थे। ही लव्ड अस बिकॉज इतना डेडिकेशन था कि अच्छा। फिर मैंने 9 साल ओडिसी सीखा गुरु मायाधर जी से। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमको लैंग्वेज जब नहीं आता है, तुम एक दूसरा स्टाइल सीखने से तुमको अभिनय का पता चल जाएगा। जब तक तेलुगु नहीं आता है पूरा। फिर मैंने कर्नाटक म्यूजिक सीखा, बड़े बड़े गुरु से सीखा, इन्होंने ही मेरे को भर्ती कराया नॉलेज के लिए। फिर मैंने ओडिसी परफॉर्मेंस भी काफी दिया और बहुत नाम आया। सब लोग बोलते थे कि इसको ओडिसी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा टारगेट कुचिपुड़ी ही था। फिर कुचिपुड़ी में हम लोग नाम करेंगे। तो धीरे 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 फिर फोटोशूट हुआ, मतलब ब्रोशियर बना पाए। फिर तो धीरे धीरे हम लोग 65 कंट्रीज में गए हम दोनों, और पूरा इंडिया में पूरा प्रोग्राम्स किया है। इतना तो पता भी नहीं है, मेरे पास पूरा लिस्ट तो नहीं है, मेजर प्रोग्राम्स है और सारे फेस्टिवल जो भी होता है। मुझे याद है आपका मध्य प्रदेश में जब खाजुराहो फेस्टिवल होता था, तो मेरा बहुत ड्रीम था कि मैं खाजुराहो में करूं। तो 1989 में हमें फर्स्ट टाइम बुलाए थे, तो हमने किया। लेकिन उस टाइम हमारे पास फैसिलिटीज इतना कम था, हम इतना स्ट्रगल करके गए थे। एक टैक्सी लेने के लिए पैसे नहीं है, ट्रेन में मतलब थर्ड क्लास में जा रहे हैं, एसी वैसी तो छोड़िए। बहुत मुश्किल से जाके प्रोग्राम किया, लेकिन हमें खुशी नहीं मिला। हमें लगा कि हमें और अच्छा करना चाहिए। फिर फिर हम अभी तक 5 बार गए हैं। मैं फिर अकेली शताब्दी पकड़ के भोपाल चली गई और मैंने जाके सेक्रेटरी से मिला। आई डिडंट नो हिम एट ऑल। आई टुक एन अपॉइंटमेंट, आई वेंट टू भोपाल, आई मेट हिम एंड आई सेड कि वी आर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, हमारा लाइवलीहुड भी ये है, हम लोग सिर्फ हॉबी के लिए नहीं कर रहे, और आपका ये पब्लिसिटी हमें बहुत एक एक पुश करेगा, यू नो लाइक खजुराहो में करने से, इसलिए मैं आई हूँ दिल्ली से। फिर मैं दिल्ली उसी रात को वापस आई और फिर उन्होंने हमें बुलाया। फिर हम 93 में किया, 99 आई थिंक 90 में किया, फिर 95 में किया। फिर आपको तो पता है कि मेरा रसा यूनाइटेड को आप लोग खजुराहो में बुलाए थे, बहुत ही बढ़िया शो हुआ था 2017। एंड 2018 में हमारी डिसाइपल टी रेड्डी लक्ष्मी ने किया, और हमारी और एक डिसाइपल को बिस्मिल्ला खान अवार्ड में मिला है, अरुणिमा कुमार। हम लोग स्टूडेंट्स को भी बहुत कोशिश करते हैं कि उनको आगे बढ़ाए, और उनका डांस के ऊपर जो नॉलेज सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, जो आपने कहा ना, एक ऑल अराउंड होलिस्टिक ज्ञान नहीं होने से एक ऊपर ऊपर से ही होगा, आप समझ रहे हैं ना, बिकॉज यू आर एन आर्ट, यू नो यू आर ए क्रिटिक एंड राइटर, जो बहुत ही छोटी चीज में भी आपको आत्मा को एक खुशी मिल सकता है, वो क्या है वो आपको भी मालूम नहीं है ना, लेकिन जब हमें वो खुशी मिलती है, इट्स नॉट, मैं हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजियन, इट्स नॉट अबाउट गॉड, इट्स अबाउट योर सेल्फ। तुमको क्या चाहिए, तुम जब अपने अंदर देखते हो, तुमको अपने साथ कनेक्शन होता है, डू यू फील कनेक्टेड,
एंड डू यू डू व्हाट यू से यू आर डूइंग, तुम क्या ऐसा कर रहे हो, तो फिर जो जब तुम एक चीज सीख रहे हो और जो तुम उसमें तुम पूरा लीन होके जब वो काम कर रहे हो, तब तुमको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये है या नहीं है या नहीं, और तब तुम्हारा ड्यूटी है उसको पूरा निभाना और आत्मा से निभाना, तभी अभिनय अच्छा होगा। अभिनय तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे तो सीख के सभी लोग कर, मैं भी करती थी पहले, लेकिन जब एक उसका जो भावना जो है, ये नहीं कि जैसे कि हम बोलते हैं शिवा ए ग्रेट यू नो पर्सनैलिटी विथ ऑल मैटेड लॉक्स एंड हेयर एंड एशेज, वो बोलने से अंदर से वो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ऐसा है और उसको मैं इम्पर्सोनेट कर रही, ये जब तक नहीं आएगा तब तक अभिनय में दम नहीं आएगा, वो आर्टिफिशियली रहे। मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। सी सभी कलाकार बहुत महान है और उनका अपना अपना ओपिनियन होती है, और मेरे जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ। आई फेल वेरी सिक इन 2012, तब मैंने उसके बाद ठीक होके, मैं शिव भक्त हूँ तो मैं शिव जी के ऊपर कंपोजिशन शुरू किया, और फिर वो मेरे को अंदर से एक भावना आता है जब मैं अभिनय करती हूँ, एंड वो मैं स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि तुम लोग भी इस जब तुम एक आर्ट आर्ट कर रहे हो, ट्रेडिशनल आर्ट, तब तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मॉडर्न, एक सपोज एक मैजिशियन है, ओके अभी आज का जमाने में सपोज आप एक मैजिशियन है, आप जब स्टेज में जाके शो करेंगे तब आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि अमेरिका मिसाइल बना दिया, एटम बम बन गया, इतना बड़ा दुनिया बन गया, मैं स्टेज में क्या कर रहा हूं। उसका वो आर्ट है, उसने उसको प्रैक्टिस किया है और वो उस टाइम उसी में वो इन्वॉल्व हो जाता है, फिर बाहर आके वो जींस पैंट पहन के वो बार में भी जाएगा, ड्रिंक भी करेगा, सब कुछ करेगा। सो डांस या कला में ऐसा ही चीज है, जब आप उसमें इन्वॉल्व है तो उसी के ऊपर आप पूरा काम करके फिर बाहर जब आप रहेंगे, आप नॉर्मल रहेंगे, तब आपको डांसर जैसा एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वो कला को अलग रखना चाहिए और अपने आप में उसको एक शांति मिलना चाहिए कि मैं कर रही हूँ। सही कह रहा हूँ, बहुत गहरी बातें हैं ये, और ये जो कलाकार समझता है इस तरह से, हमेशा जैसे स्पंज होता है वो जब तक पूरी तरह भीगेगा नहीं, नीचे तक पानी जाएगा नहीं। जी हम लोग पेड़ खेती करते हैं, बीज बोते हैं, जब तक पानी नीचे तक नहीं जाएगा तब तक पौधा निकलता नहीं है, पौधा बड़ा होता है। हर चीज ऐसी है, हम नहीं कह सकते कि डांस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, क्योंकि मैं तो मानती हूँ सबसे पहले साहित्यम है, सबसे पहले है लिटरेचर। अगर वर्ड्स ही नहीं है तो आप किसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद है म्यूजिक, क्योंकि उसमें जो म्यूजिक चढ़ेगा वो उसका मूड लाएगा। हाँ, उसके बाद ही डांस इंटरप्रिटेटिव होगा। तो क्योंकि डांस ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मैं डांसर हूं मेरे से बढ़िया कुछ नहीं है, नो, सबसे पहले तो लिटरेचर उसको गहराई देगा। इसके लिए संस्कृत लिटरेचर में जो दम है, जो वर्ड्स में जो शक्ति है, हाँ, जैसे मैंने अभी त्रयंबकम बोल के जो तैयार किया था, उसमें मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर मुंत शिवा शेष गंग भुजंग अंग, इतना सुंदर, इतना पावरफुल, बोलने से मेरे को बॉडी में वो आ रहा है, रोमांच आ रहा है। जब उसको हम डांस करेंगे तब उसको हम, उसका अगर रागा सही ना हो, उसका अगर म्यूजिक ऐसा ही पावरफुल ना हो, तो कैसे होगा आप बताइए, उसके बाद ही ना हम उसको डांस में इंटरप्रेट करेंगे। इसलिए सबसे पहले साहित्यम, फिर मैं मानती हूँ फिर गीत, फिर नृत्य आता है। इसलिए ये सारी चीजों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बहुत ही रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी कलाओं का आपस में अंतर संबंध भी है। यस यस ऑफ कोर्स नॉट ओनली दैट, आप आर्ट और साइंस का बात कीजिए, हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में एक आर्ट है उसको सही तरीके से करना, हर आर्ट में एक साइंस है उसको जोड़ के रख के, मतलब एक आप अगर
ताल भी देखे, साउथ इंडियन जो रिदम पैटर्न है इतना डिफिकल्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हर चीज में, अगर आप इंटेलिजेंटली कोई काम नहीं करेंगे, बिना सोचे आप कुछ भी करेंगे, वो नहीं होगा उसका, वो दिखाई देगा क्वालिटी। जब आप खाना भी पकाएंगे तो सोच के कर रहे हैं ना, फट 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 सब। मेरे पिताजी बोलते थे कि खाना पकान, मैं तो जिंदगी में खाना नहीं पकाया शादी तक, हाँ तो वो बोलते थे कि खाना पकाने का ये है कि हल्दी कब डालना है पता होना चाहिए। तो मुझे तब समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, हल्दी कब डालना है। फिर बाद में खुद खाना बनाने टाइम समझ में आया कि करेक्ट टाइम में नहीं डालने से उसका एक रॉ स्मेल आता है। तो ऐसे हर चीज में कला है, हर चीज में। अगर आप चारों तरफ देखो तो पॉजिटिविटी मेक्स यू फील हैप्पियर आई थिंक, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो पहले ही ना हो जाएगा। आप अगर कोई चीज करने से पहले ही सोच लिया ये नहीं होगा तो बात वहीं रुक गई, बस रुक गई ना, और तो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हाँ मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, जैसे डांस में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं होते हुए भी मैं तो सीधा बोल रही हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था कोई, आज आज जो मेरे फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, उस टाइम पे वो सब लोग फेमस है, ऑलरेडी डांस कर रहे हैं, तो वो सोचते थे ये कौन है, ये कहाँ से कैसे करेगी क्या करेगी। होता है शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, बट अपना काम से और अपना पैशन से, अपना स्ट्रगल, उसको स्ट्रगल नहीं लगना चाहिए, यू डिड इट बिकॉज यू आर हैप्पी, तो इसलिए हो जाता है कभी कभी, बट आजकल का जमाने में क्योंकि खुद गुरु जी का भी स्वभाव संत संत की तरह है, आपका स्वभाव इतना अच्छा है, और आपने जो कहा कि वो डोसा खाते थे और आप रसमलाई, तो वो जीवन जीवन में संघर्ष करते हुए रस इसी तरह बना और कलाओं का भी फिर वैभव स्थापित हुआ आप दोनों के माध्यम। मिठाई का सब छोड़ देना पड़ा, क्या करें, अब एक्सरसाइज इतना करना पड़ता है और अपने आप को ठीक भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम खुद ही हमेशा स्टेज में जाना है, बट वी फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटल हेल्थ सबसे पहले जरूरी है। मेंटली अगर आप खुश नहीं है तो आपको कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। एंड आजकल का कंटेक्स्ट में अगर कोई सुन रहे, जो यंगस्टर्स है जो सुन रहे, मैं ये बताना चाहूंगी कि अर्न करना भी जरूरी है हमारे, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप सब कुछ छोड़ के आप, आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा अपना इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, और अपना इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस में आपको फिर काम करने को, देखिए जमाना बदल गया है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो सुबह 4 बजे उठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। अब अगर 2 घंटा किया फिर आप ऑफिस चले गए, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, इट नीड्स दैट यू हैव टू गेट अप एंड डू इट, यू नो। तो वो मेरे उम्र में अभी अगर डिफिकल्ट है लग रहा है, लेकिन यंगस्टर्स तो कर सकते हैं ना। मैं मेरा बेटा को भी बोलती हूँ, हमारा एक बेटा है उसका नाम है वेदव्रत राव, वो अभी मुंबई में है, तो वही हमारा जो लाइफ था इतना स्ट्रगलिंग था कि 14 साल तक हमने फैमिली नहीं किया, फिर 14 साल बाद हमारा जो बेटा है वो जन्म लिया। तो आई एम वेरी हैप्पी, इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंड उसने MBA किया है फ्रॉम माइका अहमदाबाद, एंड ही इज अ क्रिएटिव राइटर एंड प्लानर, वो भी एड एजेंसी में काम, आपने सुना होगा प्रशून जोशी जी का एड एजेंसी में 2 साल काम किया, हाँ, और अभी वो एक नया कंपनी है, अभी अभी ज्वाइन किया है, ये ब्रेकडाउन में लॉकडाउन में ही उसको ऑफर मिला, तो ही ऑल्सो सपोर्ट ए लॉट, मतलब बहुत वो भी सपोर्ट करता है मेंटली, mental support is very very important, you know, good friends and people who support you. मैं तो यही बोलूंगी दर्शक जो भी सुन रहे कि negativity नहीं रखना, चाहे कितना भी negative situation हो, आप यही सोचना कि कल हमें कुछ और कोशिश करके देखना, यही मैं बोलना चाहता। आप ये क्या, ये जो आपका thought है ये केवल अपनी जिंदगी के साथ ही जुड़ा नहीं, हमारे आसपास भी जो लोग हैं उनमें भी हमको ये भावना सर बांटनी चाहिए, और हमारे साथ जो लोग हैं सब सभी के लिए जरूरी है कि पॉजिटिविटी और
एक दूसरे को मित्र मानकर चलो, उनके काम को जी प्रोत्साहित करो, सराहना करो, उनके जी काम को देखो, उनके हर हर कोई तो एकदम एक्सीलेंस नहीं होता, हर कोई श्रेष्ठ नहीं नहीं होगा, नहीं लेकिन नहीं इसमें सब जरूरत भी नहीं सब है, जरूरत नहीं है सब अपने अपने कैलिबर के अनुसार सब आदमी काम करता जी है। जी एक शहर में 1,000 मिठाई की दुकान है तो उस पर क्लासिक मिठाई 4 ही जगह बिकती होगी, लेकिन बाकी सब भी नहीं कुछ ना कुछ तो टेस्ट बना के चलते होंगे। नहीं जरूर। अनदर थिंग, हम लोग जब डांस करने जाते हैं कभी कभी लोग बोलते हैं अच्छा आप कितना अच्छा कर रहे हैं, देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं बोलती हूँ आपका प्रोफेशन मेरे को नहीं आता ना, सी जो भी जो काम करता है उसका हमें हाँ नहीं आता है। हम लोग तो बहुत सेल्फिश है एक तरह से, कि हम आर्ट को लेके पड़े रहते हैं कि आर्ट, लेकिन जो जो लोग बाकी बाहर जो सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर्स अभी जो काम कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ मेंटल मानसिक खुशी दे सकते हैं हमारे आर्ट के जरिए, और वो भी हाँ जरूरी है, मैं मानती हूँ जरूरी हाँ है, लेकिन किसी का भी जो भी प्रोफेशन उसको अपना प्रोफेशन में प्यार होना चाहिए और रेस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं आई रेस्पेक्ट एवरीबडी, मतलब जो अगर कोई कुरियर सर्विस भी दे रहा है आई रेस्पेक्ट दैट पर्सन, जो लोग अपना पाँव में खड़े होके अपना बिकॉज हमने इतना सेल्फ मेड है हम लोग, इतना ज्यादा हम दोनों, कि हमें लगता है कि उसमें बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिला है कि जो भी आज मेरे पास है मेरा अपना काम के जरिए है। एंड मेरे हस्बैंड का सपोर्ट तो है ही, प्लस मेरा फैमिली का सपोर्ट, गुड फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं कि हम बहुत सोशलाइजिंग करते हैं, लेकिन जितने लोग रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप हम ब्रेक करते हैं तो फिर एक बनाने में इतना साल लगता है और 1 मिनट में टूट जाता है कभी, उसके बारे सही में सही मैं सब सोचती हूँ। नहीं, यही यही बड़ा, और आपका इसीलिए दिल्ली में भी और देश भर में भी बहुत सम्मान है, आप दोनों को ही सब लोग बहुत मानते भी हैं। मुझे लगता है कि एक कलाकार के रूप में भी और व्यक्तित्व के भी रूप में, जैसे ऐसे अनेक बार मौका आया जब मुझे आपसे बात करने का मौका हुआ गुरु जी से, तो मैंने तो सच में जी मतलब गुरु जी जितना सज्जन व्यक्ति मैंने कभी देखा ही नहीं। नहीं, वो बहुत ही सिंपल है और वो एकदम, उनको किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ इन द सेंस कि बहुत साल तो झेला है, अभी अगर कोई कुछ ऐसा गलत बोलता है तो मैं उसका जवाब देती हूँ, इतना तो मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा समझ बहुत गए कम ही होता है, बहुत कम होता है। यू नो जी। समटाइम्स इट हैपेंस इन द प्रोफेशन व्हाइल ट्रैवलिंग और समवेयर कि समथिंग हैपेंस व्हिच इरिटेट्स यू, तो अभी तो एक्चुअली उस सिचुएशन में हम है कि हम उसका एक जवाब दे सकते हैं। अभी अभी 30 साल पहले तो हमें वो बोलने का भी नहीं था, जहां जो है एक्सेप्ट करके जैसा भी है, हम बस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है, हम यही सोचते थे जहां भी हो हमें प्रोग्राम को सक्सेस करके कुचिपुड़ी का नाम को आगे बढ़ाना है, कि कुचिपुड़ी क्योंकि इट्स अ वेरी रेयर डांस स्टाइल, एवरीबडी डज नॉट डू कुचिपुड़ी, कथक बहुत कम भरतनाट्यम लोग, बहुत हाँ पॉपुलर है। हाँ तो कुचिपुड़ी के लोग बहुत कम इसलिए कलाकार। जी बहुत कम कलाकार। और फिर बाद में जब मैंने कलमकारी का भी डिजाइन शुरू किया तब भी हाँ मेरे मन में यही था कि ये डायमेंशन कैसे एक्चुअली मन में आया, ये जो दूसरा आयाम है मैं खुद आपका। बहुत, नहीं, हम लोग साउथ जाते थे ना तिरुपति वगैरह, तो हाँ मैं हाँ कलमकारी का साड़ी वगैरह खरीदती थी, तो फिर अच्छा, और फिर मैंने खुद लेके ऐसा जैसे ब्लाउज वगैरह डिजाइन करके मैं खुद ही पहनती थी, तो मेरे को हाँ बहुत जने पूछने लगा कि ये कहाँ से मिला कहाँ से मिला, तो फिर गुरुजी ने ही मेरे को बोला कि तुम स्टार्ट क्यों नहीं करते हो छोटा सा अपना, क्योंकि इसमें तो सब लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ही गेव मी 25,000 रुपीज टू स्टार्ट द बिजनेस, तो फिर मैंने कुछ शुरू किया, तो वो एकदम, मैंने कभी कोई डांसर्स या आर्टिस्ट को नहीं बोला ये बात, क्योंकि अच्छा नहीं हाँ लगता ना इसे हम, तो हाँ मेरे जो एक दो फ्रेंड्स थे अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी और एक जना कनाडियन, वो लोग पहनने लगे तो उनको देख के फिर दूसरे फिर पहनने लगे, फिर धीरे धीरे मेरा डिजाइन का मैं खुद ड्रॉ करती हूँ, हमें पेंटिंग भी आता है एक्चुअली, हमारे सारे भाई बहन को बहुत अच्छा हम पेंटिंग करते थे, तो
तो मैं स्केच वगैरह खुद ही बना के फिर एक आर्टिस्ट को मैंने कॉन्टेक्ट किया और मैंने उनको बोला मेरा डिजाइन आप बना दोगे, तो ही अग्रीड. वो जब बनाना तो क्राफ्ट काउंसिल से लेके निफ्ट से लेके बहुत लोग आया मेरे पास कि ऐसा कलमकारी उन्होंने कभी देखा नहीं. तो वर्ड ऑफ माउथ से फैल गया. फिर अभी तो ऑनलाइन जयपुर में जाता है मेरा सामान और थैंक यू जेनी और काफी मतलब नाम है, अपने आप ही लोग आ जाते हैं क्योंकि मैं डांस को छोड़ के इसको ऐसा मैं पागल जैसा एक बिजनेस नहीं करना चाहती, बट जो करती हूँ वो अच्छे जगह जाए, लोग पहने. और अभी तो ऐसा है कि शाश्वती जो मेरी फ्रेंड भी है शाश्वती सेन, वो हर साल एनुअल डे में मेरे से वो अंग वस्त्र वगैरह बना के ले जाती है उनका एनुअल डे में. तो सारे ही बड़े बड़े कलाकार को मैं नाम नहीं लूंगी, सभी के पास मेरा शॉल या दुपट्टा है, वो पहनते हैं. ऐसे ही हो गया, फैल गया, बस नाम नहीं गया. और उसमें भी यही बात है. आप देखिए डांस का कंपोजिशन में एक बिगिनिंग होती है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है, राइट? अगर आप एक किताब भी लिखेंगे उसका एक भूमिका होगी, फिर मिडिल में सारा बातें होगी, फिर एक कंक्लूशन होगा. तो डिजाइन भी ऐसे करती हूँ मैं. एक साड़ी को जो एक या जैकेट या जो भी बनाती हूँ उसमें एक एक उसका तरीका क्या होगा और बिगिनिंग क्या होगा और एंड कैसे, वो सोच के मैं बनाती हूँ. तो हर साड़ी का एक को पूरा प्रोफेशन वही है जो क्लासिकल डांस का है और उस सब का जो एक बैलेंस और संतुलन है वो सब यहाँ क्राफ्ट में भी आया है. जी, मैं जी, ये सोच जी, रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने साड़ी बनाए, ब्लाउज बनाए, शॉल बनाया. मैं सोच रहा हूँ कि कोई कुर्ता उड़ता नहीं बनाती क्या, ताकि मैं भी दिल्ली में आके मिलूं आपसे. वो तो जब कोई बोलता है ना, जब कोई, क्योंकि जेंट्स का इतना नहीं बनाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी बनाया है, कुर्ताज भी बनाए हैं, जेंट्स कुर्ताज बनाए हैं. और आश्चर्य की बात है मेरा हस्बैंड मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं पहनते हैं, वो तो सिर्फ व्हाइट ही पहनते हैं. तो मैं आपका भाई हूँ, मैं आके मिलूंगा आपको. हाँ, और मैं आपके लिए शॉल बना के दूंगी. मैंने एक जना को लास्ट ईयर एक शॉल दिया जिसमें पूरा द्रौपदी का लक्ष्य भेद है, पूरा शॉल में कहानी हैंड पेंटेड है एंड फिर वो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ. तो मेरा एकदम यूनिक है. मैं जैसे अर्धनारीश्वर बनाती हूँ क्योंकि कलमकारी का ट्रेडिशन है माइथोलॉजिस्ट, फिर उसको लेकिन उसको मैं ऐसे कराती हूँ कि वो बिल्कुल अलग बनता है. जैसे कि एक साड़ी में था पूरा शिव जी का मैरिज, पूरा साड़ी में, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश नारदा सब गणाज सब है उसमें, अप्सराज है, यू नो, और शादी हो रहा है. वो भी हम बनाते, बहुत बनाए. मैं आपको कभी मेरा व्हाट्सएप में डिजाइन भेजूंगी, आप देखना. मैं दिल्ली आऊंगा तो आपका पूरा संस्थान देखूंगा जहां पर आप ये काम करते हैं. Yes, definitely. ये एक बहुत दूसरा और बहुत क्रिएटिव डायमेंशन है जो डांस से अलग हटकर है. और आप जैसा कि कह रहे हो कि आपने इसको कंट्रोल रखा है, तब भी इतना फैला हुआ है. मैं किसी को नहीं बोलती हूँ, कोई एग्जीबिशन नहीं करती हूँ, कोई पब्लिसिटी नहीं है और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है. ये सिर्फ जिनको पसंद है वो सुन के आते हैं और वो मेरे से ले जाते हैं, या तो दुकान में एक स्टोर है तत्सत फूल के हाउस पास में, वेरी नाइस स्टोर, वो लोग मेरे सामान रखते हैं, अगर वहां से भी लोग ले सकते हैं, या ऑनलाइन जयपुर में जाता है और कहीं मैं नहीं देती. वो लोग, ये सारे ही लोग मेरे पास खुद आए थे, मैंने किसी को कभी अप्रोच नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे. मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही अपना आर्टिस्टिक विजन से बनाई थी, लेकिन जब अच्छा लगा लोगों को तो लोग आने लगे और मेरा काम भी बढ़ गया धीरे धीरे. तो कर रही हूँ बस जितना हो सकता है, मेरे उम्र में मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ. ये एक संयोग की बात है कि भोपाल में भारत भवन में जब गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को कालिदास सम्मान मिला था तब मैं बहुत उस समय मुझे याद है उस फंक्शन की, तो जो जो उनकी दक्षता प्रतिभा है वही गुरुजी में आई और वही अब आप दोनों के माध्यम से नई जनरेशन में और जो प्रतिभाशाली शिष्य आपने तैयार किए, आपने जिस तरह से बताया कि उनको
जिसमें लाखा पुरस्कार एक शिष्या को मिला, एक एक हाँ को अरुणिमा कुमार को मिला, वो अभी हाँ लंदन में है। अभी हमारी डिसाइपल टी रेड्डी लक्ष्मी लास्ट ईयर खजुराहो में किया, खजुराव में है। और हाँ, टी रेड्डी लक्ष्मी को उसके जानते हैं। पहले मेरी डिसाइपल है अयोना मुखर्जी, मोटुशी, ये सब लोग हाँ आईसीसीआर एम्पैनल्ड है, दूरदर्शन एम्पैनल्ड है, और बहुत अच्छे डांसर्स हैं, और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। हम ग्रूम करते हैं पूरा, कि उनको एक नॉलेज भी हो, कुचिपुड़ी के बारे में कोई पूछे तो वो बता सके, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने, मैंने ये देखा है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा वैल्यू होता है इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड तब अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी मुश्किल होती है। जो कलाकार है वो इस बाधा से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो जैसे कि आजकल का जो जमाना है, अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको हर जगह अपने प्रोफेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल नहीं कि आप एकदम अहंकार से बात करें, लेकिन हाउ टू टॉक, हाउ टू राइट, हाउ टू बी नाइस टू पीपल, ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यू नो दे आर डिफरेंट एंड यू कांट एक्सपेक्ट द सेम बिहेवियर लाइक यू फ्रॉम एवरीबडी, है ना? बिल्कुल दे सही, आर बिल्कुल डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, एक बार मैं, टाइम है तो मैं बताती हूँ आपको। टाइम है, अभी टाइम है, अच्छा, एक बार अभी क्या लगभग हुआ, हमारे पास 10 मिनट है करीब अच्छा एक बार क्या हुआ, हम लोग तो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में है, और हम अभी। वो मैंने बोला ना आपको, एक छोटा सा मकान, एक बड़ा मकान था, एक गराज में हमें जगह मिला था, बड़ी अच्छी तरह से बना के दिया था उन्होंने, हम दोनों ही थे और तो कोई है नहीं, तो हम सीधा सुबह निकल के प्रैक्टिस में चले जाते थे, कहीं लंच खा लेते थे, फिर घर में आते थे, ऐसा। तो उस टाइम आईसीसीआर से हमें लेटर आया, 1987 की बात है, कि आप लोगों को हम 2 महीने के लिए रशिया फेस्टिवल में भेज रहे हैं, दैट इज दैट इंडिया फेस्टिवल इन रशिया। तो हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऐसा एक बड़ा फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम कमिटी ने सिलेक्ट करके हमें चिट्ठी दिया। तो हम वेट करते रहे, वेट करते रहे, 1 महीना हो गया, जब कोई जवाब नहीं आया, यूजुअली वो लोग एकदम बोलते हैं कि आप पासपोर्ट बनाएंगे, ये करिए, वो सारा फॉर्मेलिटीज होती है। फिर हम दोनों आईसीसीआर गए और जाके बोले कि क्या हुआ, ये लेटर आया था, तो बोले कि नहीं आप नहीं जा रहे हो। तो हमने बोला ये क्या हो गया, ये तो लेटर आया है कि हम लोग 2 महीने, क्योंकि हम बहुत खुश थे कि थोड़ा इनकम भी हो जाएगा और 2 महीने के लिए जाना मतलब काफी प्रोग्राम्स भी होगा। हाँ और उस टाइम में शुरू में, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑफिशियल बात है, रेम्यूनरेशन बहुत कम होता था, अभी जैसा नहीं है। तो खैर एनीवे हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए और हमने बोला हम डीजी से मिलके बात करेंगे। तो डीजी तब थे ललित मान सिंह, श्री ललित मान सिंह जो, तो वो हम उनको जानते नहीं, वो भी हमें नहीं जानते। तो हमने बोला पीए को कि हमें मिलना है, वो बोलने लगा अभी तो सार मीटिंग में है, अभी तो ऐसा विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। तो हम बोला हम वेट करेंगे और उनसे नहीं मिलके हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वी आर डेस्परेट, वी नीड हाँ प्रोग्राम्स, वी नीड टू सर्वाइव। तो फिर ना वो बाहर सुन के, वो थोड़ी देर बाद बाहर आया, कमरे से बाहर आके बोला, बहुत सीरियसली बोले, क्या बात है, यू नो हाउ ब्यूरोक्रेट्स आर, बोले कि यस व्हाट इज द मैटर, एंड यू नो आई एम वेरी बिजी एंड आई वाज इन अ मीटिंग एंड दे सेड दैट। तो फिर मैंने बोला ऐसा लेटर मिला, हाँ ये लेटर जो मिला हाँ वो हमें आप अभी मना क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज योर ऑफिस सेइंग वी कांट। बोला हाँ एवरीबॉडी कांट गो टू अ फेस्टिवल एवरी टाइम, वी हैव अ सिलेक्शन कमिटी एंड दे हैव डिसाइडेड दैट यू आर नॉट गोइंग। तो मैंने फिर बोला उनको, सर अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है तो एमेचर क्या करेगा, वी आर प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड वी सर्वाइव ऑन दिस, आप एक ऑफिशियली लेटर दे के अभी आप बोल रहे हो कि यू कैनॉट डू, बट यू हैव टू गिव मी अ रीजन, है ना, हाँ अदरवाइज व्हाई वी कांट गो। एंड ऐसा सी यू आर ए प्रोफेशनल, वी आर प्रोफेशनल्स, देन दैट डीलिंग शुड बी लाइक। तो वो ना काफी इम्प्रेस्ड हो गए, मेरे को इतना गुस्सा आया था कि मेरे आंख से ऑलमोस्ट मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। तो बोले कि अच्छा ओके आई विल लुक इन टू दिस मैटर। फिर बाद में हमें बुला के बोले कि कोई बात नहीं, ये तो जो हो गया हो गया,
आई विल सेंड यू। इतने में क्या हुआ, वो लंदन से एक ऑफर आया हमारा जाने के लिए, बीरेंद्र शंकर, उनका हम पहले भी कर चुके थे, बिल्कुल बहुत स्ट्रगलिंग प्रोग्राम्स है वो, हफ्ते में 7 पाउंड देते थे, ओके हफ्ते में 7 पाउंड, और आईसीसीआर टिकट टिकट देता था। तो हमने बोला हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तब तक हमारा थोड़ा नाम भी हो गया, हम बोला हम नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि वी नो इट्स नॉट, अगर हम गया तो आप बोलेंगे कि तुम लोग तो अभी अभी टूर करके आए हो, अभी हम और टूर नहीं देंगे। तो ही सेड नो आई प्रॉमिस यू आई विल सेंड यू समवेयर गुड। फिर उसके बाद हम लंदन जाके आए तो उन्होंने हमें मॉरिशियस इंडिया फेस्टिवल में पंडित दुर्गालाल जी, हम दोनों पद्मा सुब्रमण्यम जी और माधवी मुद्गल, हम चारों को भेजा। फिर देन वी बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो जब भी मिलते थे मेरे को बोलते थे तुम अभी रो तो नहीं रहे हो, यू आर नॉट क्राइंग नाउ आई होप, मैं बोलती थी नो नो अभी मैं ठीक हूँ। तो ऐसा बहुत फाइट किया। अब जब अगर मैं, मेरे को वो बोलना नहीं आता है तो हाउ विल वी एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक, यू नो चेयरमैन संगीत नाटक अकेडमी, हम बोल रहे कि हमें आप क्यों नहीं फेस्टिवल्स में, नो 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 वी ओनली टेक टॉप आर्टिस्ट। तो आई सेड सर कल अगर मैं शहर में पूरा पोस्टर लगा दूं जयराम राव बनशीरा तो हम भी टॉप बन जाएंगे। यू हैव टू सी ना, यू हैव टू एज अ चेयरमैन यू हैव टू सी एवरीबडीज शो, यू हैव टू सी व्हाट यंग पीपल आर डूइंग, तभी ना आप जज करेंगे कि कौन टॉप है कौन नहीं है। आई डोंट वांट टू बी द टॉप आर्टिस्ट बट आई नीड एन अपॉर्चुनिटी यू नो। तो फिर ही केम, ही सॉ आवर प्रोग्राम एंड ही सेड रियली इट वाज वेरी वेरी गुड एक्सीलेंट। ऐसा करके मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब राइटफुली व्हाट इज राइटफुली योर्स। क्योंकि गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं जो, जैसे कि अगर प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसको मर्जी बुला सकता है, उसका अपना है मनमानी, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका तो एक रूल है ना, यू हैव टू सी दैट वेदर वी फुलफिल दैट क्वालिटीज और नॉट एंड देन यू कैन क्वेश्चन देम। प्राइवेट यू कैन नॉट क्वेश्चन आपने मेरे को क्यों नहीं लिया, वो बोलेगा भाई मेरा मर्जी है, मेरे को नहीं लेना था मैंने नहीं लिया। सो वी हैव अ राइट टू फाइट फॉर आवर प्रोफेशनल वर्क, दैट्स व्हाट हमने हमेशा किया है। एक बात तो है, जैसे ये अब लेटर भेज दिया फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया, जब आपने संपर्क किया तब कहा कि अब आप नहीं जा रहे हो, ये तो अच्छा भी नहीं तरीका। अगर आप मान लीजिए किसी वजह से कोई कैंसिल भी करते हो तो आप उसका भी लेटर भेजो हमेशा। दैट्स व्हाट वी वेंट ना, वी सेड कि व्हाट इज दिस व्हाई, एंड यू नो देयर आर पीपल, सी वी डोंट दैट टाइम व्हेन वी आर कमिंग अप वी डोंट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, who is handling what, whom we should talk to, kuch bhi nahi malum hai na. So, you know, we don't know, like we only know that, okay, top person jo hai, hum unse milke ek baat kar sakte hain. Ab luck achha tha ki unhone humara baat sun liya. I am sure this has happened to many artists. Many artists are suffering, you know. Ab, but baat ye hai ki agar aap mein koi dam hai, aur ek baat hai, main students ko hamesha bolti hu, जब तुम लोग डांस करोगे कहीं भी वो मीडियोक्रिटी नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी एक्सेलेंट यू नो, जरूरी है। हाँ एक मीडियम, हाँ सो सो, फिर तो देयर आर मेनी गुड डांसर्स, यू कैन टेक ए डांसर जॉब, टीचिंग जॉब कर लो, पढ़ाई करो, रिसर्च करो, बहुत है अल्टरनेटिव। बट इफ यू आर परफॉर्मिंग योर परफॉर्मेंस शुड बी एब्सोल्युटली इन ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नहीं तो नोबडी विल गिव यू अ चांस। देर आर सो मेनी डांसर्स यू नो, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनली, कॉस्ट्यूम, लाइट, स्टेज, माइक, प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैसे भी हम कर दिया बस, यू नो दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एंड योर करियर, यही हम बोलते हैं। बट हमेशा चाहे नृत्य हो या लेखन हो या कोई भी काम हो, सब्जी बनाना भी हो, हाँ यस, आपके द्वारा ये काम किया गया वो आपका एक सिग्नेचर है, यस सिग्नेचर हाईलाइट होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये बात है। क्योंकि देखिए बात तो ये है, कल ही मैंने एक शिव खेरा जी का एक मैसेज